हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है और मैं झारखंड के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। अब मैं आपको अपने बारे में कुछ विशेष जानकारियां देता हूं। जब मैं सिर्फ 6 साल का था, तभी मेरे माता पिताजी मुझे पढ़ने के लिए मेरे मामा जी के साथ दिल्ली शहर भेज दिए और तब से ही मैं यहीं पर हूं। आज मेरी उम्र 22 साल है, लेकिन इन बीते 16 सालों में मैं एक बार भी अपने घर नहीं गया हूं। पता नहीं क्यों, ना तो मेरे मामा जी मुझे कभी मेरे गांव जाने देते हैं और ना ही मेरे माता पिता, वो मुझे कभी अपने पास बुलाते हैं। मैं जब भी कभी अपने माता पिताजी से जिद किया करता हूं कि मुझे आपके पास आना है, आपसे मिलना है, तब वो मुझे ये कहकर चुप कर देते हैं कि बेटा पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हारे कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब तुम आना, अभी यहां आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे मामा जी उनकी कोई संतान नहीं है, इसीलिए तुम उनके पास ही रहो ताकि उन्हें भी अकेलापन महसूस ना हो। मेरे माता पिता मुझसे हर बार ऐसा ही कहा करते हैं और मैं भी उनसे कुछ नहीं कह पाता। मेरे मामा मामी जी, उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है, पढ़ाया लिखाया है और आज मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी खत्म हो चुकी है। लेकिन अब मैं अपने गांव जाना चाहता हूं, अपने माता पिताजी से मिलना चाहता हूं। मेरे मामा मामी जी भी, वो भी मुझे रोक नहीं रहे। उनका भी कहना है, जाओ, तुम्हें गांव ही जाना है ना, जाओ, लेकिन थोड़ा जल्दी वापस आ जाना। मैं भी ट्रेन की टिकट बुक कर चुका हूं और अगले ही दिन मुझे अपने गांव जाने के लिए निकलना है। मैं अपने सभी जरूरत की सामान एक बैग में पैक कर चुका हूं और कल होने का इंतजार कर रहा हूं। समय बीता और वो पल भी आ गया। मेरे मामा जी, वो मुझे स्टेशन तक छोड़ने आए थे। मैं भी ट्रेन से सफर कर अपने इस छोटे से गांव में पहुंचा। मेरे माता पिताजी भी मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। मेरे पिताजी, वो तो मुझे एक पल के लिए जैसे पहचान ही नहीं पाए थे, लेकिन मेरी माँ, वो मुझे देखते ही पहचान गई थी। पिताजी मुझसे कह रहे थे, पूरे 16 साल बाद घर आए हो, इसीलिए मेरी आंखें धोखा खा गई। वहां गांव के कई लोग जो मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे, मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश था। यहां गांव में एक अलग ही प्रकार की शांति थी, ना तो गाड़ियों की घरघराहट की आवाज और ना ही शहरों के जैसा प्रदूषण। पेड़ पे चिड़ियों की चहचहाने की आवाज जो मेरे कानों पे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। इसी तरह वो पूरा दिन बीता। मैं शाम के वक्त जब सूरज लगभग लगभग पहाड़ों के आगोश में समाने को था, तब मैं सोचने लगा, चलता हूं गांव में घूम कर आता हूं। जब से आया हूं तब से मैं घर में ही बैठा हूं। मैं अपने मोबाइल में टाइम देखा, समय शाम के 5 बजे का था। फोन की बैटरी मात्र 15% ही चार्ज थी और मैं फोन को वहीं घर में ही चार्ज पे लगा घर से बाहर निकल गया। मैं वहां कुछ देर तक अपने गांव में घूमता रहा और फिर घूमता घूमता मैं गांव के बाहर पहुंच आया था। यहां मेरा खेत था जिसमें फसल लगी हुई थी। मेरे खेत से ही लगकर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था जिसकी लंबी लंबी बेलें जो जमीन को छू रही थी। मैं चलता हुआ उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा और वहीं बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। यहां चलने वाली ठंडी ठंडी हवाएं जो मेरे बदन को छूकर शरीर में एक सिहरन सी पैदा करी थी। देखते देखते वहां अंधेरा छा चुका था और आसमान में सितारे जगमगाने लगे थे। मैं वहीं पेड़ के पास ही बैठा आसमान में चमकते हुए सितारों को देखे जा रहा था। न जाने कितने दिनों बाद मुझे ऐसे दृश्य देखने को मिले थे। रात गहराती जा रही थी। मैं वहीं बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि तभी अचानक से मेरे कानों पे जोरदार कड़कड़ाहट की आवाज सुनाई पड़ी। ऐसा लगा था कि जैसे इस बरगद के पेड़ की कोई मोटी टहनी टूटी हो। मैं एक पल के लिए चौंक गया था। मैं झट से अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और बरगद के पेड़ के ऊपर देखने लगा, लेकिन बरगद का पेड़ तो पूरी तरह से शांत था।
मैं समझ नहीं पा रहा था। तो फिर ये आवाज कहां से आई थी, इतनी तेज आवाज? ऐसा लगा था कि जैसे बरगद का कोई शाखा टूटकर यहां जमीन पे गिरा हो। मैं बरगद के पेड़ के ऊपर देखे जा रहा था, लेकिन बरगद का पेड़ पूरी तरह से शांत था। बस यहां चलने वाली ये मध्यम सी हवाएं, जिस कारण बरगद के पेड़ के कुछ पत्ते हिल रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था, तो फिर ये कड़कड़ाहट की आवाजें कहां से आई थी? अब मैं वहां पर रुकना नहीं चाहता था। मैं अपने कलाई घड़ी में टाइम देखा, समय रात के 7:30 बजे का था। मैं चलता हुआ अपने गांव की ओर बढ़ चला, लेकिन जब मैं अपने गांव की सीमा पर पहुंचा, तब मैंने जो देखा उसे देखकर मैं और भी ज्यादा हैरान हो गया। यहां गांव में पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे गांव की बिजली गई हो। मैं चलता हुआ गांव के अंदर जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। यहां रास्ते पे मेरे अलावा कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं वहां घरों में झांकता जा रहा था। आखिर क्या बात है, गांव के सभी लोग चले कहां गए हैं? क्या यहां गांव वाले इतनी जल्दी सो जाया करते हैं? मैं ऐसे ही घरों में झांकता हुआ आगे की ओर बढ़े जा रहा था, और तब मुझे पता चला कि गांव में बिजली नहीं गई है, बल्कि सभी गांव वाले अपने घर की लाइट बंद कर, घर के दरवाजे को बंद कर अपने अपने घरों में सो गए हैं। ये देखकर मैं समझ नहीं पा रहा था, आखिर आज भी हमारा ये गांव कितना ज्यादा पिछड़ा है, यहां आज भी लोग इतनी जल्दी सो जाया करते हैं। मैं चलता हुआ अपने घर की ओर बढ़े जा रहा था। यहां पूरा का पूरा गांव अंधेरों में जैसे डूबा हुआ था। रास्ते पे कहीं भी एक भी लाइट नहीं जल रही थी। दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज साफ साफ मेरे कानों पे पड़े जा रही थी। मैं चलता हुआ अपने घर के नजदीक पहुंचा। वहां पूरे गांव में सिर्फ मेरा ही एक घर ऐसा था जिसमें अभी भी लाइट जल रही थी। मेरे पिताजी वही मेरे घर के दरवाजे के बाहर खड़े थे, और मेरी माँ जो घर के अंदर से रास्ते की ओर देखे जा रही थी, मेरी ओर देखे जा रही थी। मेरे पिताजी जो शायद मुझ पर थोड़ा सा गुस्सा लग रहे थे, मैं उनके पास पहुंचा, और तब पिताजी मुझ पर गुस्सा करते हुए कहने लगे, कहाँ गए थे, इतनी रात गया रहे हो, तुम्हें पता भी है रात की इतनी ज्यादा हो चुकी है। मैं भी उनसे कहने लगा, रात के 7:30 ही तो बजे हैं। तब पिताजी का कहना था, हाँ रात के 7:30 ही बजे हैं, लेकिन तुम नहीं जानते कि यहाँ गांव वाले अंधेरा छाते ही अपने अपने घरों में चले जाते हैं। अंधेरा छाने के बाद यहाँ कोई भी गांव वाला अपने घर से बाहर नहीं निकलता, और एक तुम हो कि तुम हमें बिना कुछ पता ही कहीं चले गए थे। अरे अगर जाना ही था तो मुझे बता कर जाते, तुम्हें पता है हम कितने ज्यादा परेशान हो गए थे। चलो घर के अंदर चलो। मैं भी पिताजी के साथ चलता हुआ घर के अंदर पहुंचा। मेरी माँ वो मुझे समझाते हुए कहने लगी थी, बेटा ये गांव कुछ ठीक नहीं है, देखो रात के वक्त तुम घर से बाहर मत निकलना, चलो खाना खा लो। मैं भी फटाफट हाथ मुंह धोया, और माँ भी मेरे लिए खाना लगा चुकी थी। मैं खाना खाते खाते माँ से कहने लगा, माँ मैं आपसे एक बात पूछूं। मेरी माँ का भी कहना था, पूछ। तब मैं उनसे कहने लगा, माँ जैसा कि पिताजी कह रहे थे कि अंधेरा होने के बाद यहाँ कोई भी गांव वाला अपने घर से बाहर नहीं निकलता, ऐसा क्यों? और एक बात, आप मुझे बचपन में ही शहर पढ़ने के लिए क्यों भेज दिए थे, क्या कारण है? तब मेरी माँ मुझसे कहने लगी थी, देखो बेटा तुम इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो, चुपचाप खाना खाओ, रात काफी ज्यादा हो चुकी है, हमें घर की लाइट भी बंद करनी है। माँ मुझसे ऐसा कह रही थी, और मैं उनसे कहने लगा, माँ बताओ ना आखिर क्या कारण है, इस गांव में कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। देखिए मैं भी अब बड़ा हो चुका हूं, और मुझे भी इस गांव की सच्चाई जानने का पूरा हक है। मैं अपनी माँ से बार बार पूछ रहा था, लेकिन मेरी माँ बार बार मेरी बातों को काट रही थी। मैं समझ गया माँ मेरी सवालों का जवाब नहीं देने वाली, पिताजी से पूछूंगा। मैं फटाफट खाना खाया और मैं अपने पिताजी के कमरे में चला गया। पिताजी अपने बेड पर लेटे हुए थे, और मैं वहीं
बेड पर बैठता हुआ पिताजी से कहने लगा, पिताजी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। तब पिताजी का भी कहना था, ठीक है कहो, क्या कहना चाहते हो? तब मैं भी उनसे कहने लगा, वो पिताजी आप कह रहे थे ना कि इस गांव में अंधेरा होने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता, ऐसा क्यों? तब पिताजी का कहना था, अरे यार छोड़ो ना वो सब बातें, बस तुम इतना समझो कि तुम्हें भी अंधेरा होने के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। पिताजी ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, लेकिन क्यों, कारण क्या है? देखिए मुझे बताइए, आखिर मुझे भी कारण पता रहेगा तभी तो मैं ज्यादा चौंकाना रह पाऊंगा ना। तब पिताजी थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगे थे, देखो बेटा ये बात आज से लगभग 26 साल पहले की है, जब मेरी शादी तुम्हारी माँ के साथ अभी नई नई हुई थी, उस समय गांव में कई सारे बच्चे गायब हो रहे थे। हर रात एक से दो बच्चे गायब हो जाते, किसी को भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर गांव के बच्चे जा कहां रहे हैं। लोगों को लगा करता कि शायद इस गांव में रात के वक्त कोई जंगली जानवर आता है, वही गांव से बच्चों को उठाकर अपने साथ लेकर जाता है। लेकिन लोगों का दिमाग तो तब घूमा जब एक एक कर बच्चों के लाश मिलना शुरू हो गए। कई लाश जो पेड़ों के ऊपर मिल रहे थे, कई लाश जो पेड़ों के नीचे पेड़ों के पास मिल रहे थे, लेकिन उन सभी बच्चों की लाश में एक समानता थी, सभी बच्चों के लाश जो पूरी तरह से पीली पड़ चुके होते, देखकर ऐसा लगता कि जैसे उन बच्चों के शरीर में खून का एक भी कतरा बचा ना हो। सभी लाशों के गले में इंसानी दांतों के गड़ाए गए होने के निशान पाए जाते, और तब गांव वाले भी सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर क्या है, कोई जानवर ही हमारे बच्चों को मार रहा है या फिर इसके पीछे कोई और ही है? जानवर अगर वो बच्चों को उठाकर लेकर जाते तो उनके पंजों के निशान हमारे बच्चों के शरीर पर जरूर होते, ऐसा थोड़ी ना होगा कि जब कोई जानवर हमारे बच्चों के पास आता होगा तो हमारे बच्चे डरकर भागने की कोशिश नहीं करते होंगे, ऐसे में उनके बीच झड़प तो होती होगी। फिर इन बच्चों के शरीर पे जानवर के पंजों के निशान होने चाहिए थे, यहां बच्चों के शरीर पे खरोच के एक निशान तक नहीं है, मतलब इस सबके पीछे कोई और ही है। गांव वाले समझ चुके थे और फिर सभी गांव वाले मिलकर एक प्लान बनाए, रात को पहरेदारी करने का प्लान। शाम ढली और रात के समय सभी गांव वाले अपने अपने घरों के मसाले बुझाकर अपने शरीर पे काले चादर ओढ़ अपने घर के दरवाजे के बाहर आकर बैठ गए थे। वो देखना चाहते थे कि रात में आखिर गांव में कौन आता है, कौन है जो हमारे बच्चों को उठाकर लेकर जाता है। समय बीता और रात के लगभग 12 बजे के करीब इस पूरे गांव में धुंध सा छाना शुरू हो गया। हल्की हल्की धुंध छाती जा रही थी और लोगों को लग रहा था कि ठंड का मौसम है जिस कारण यहाँ कोहरा छा रहा है। लेकिन तभी लोगों की नजर पड़ी यहां गांव के रास्ते पे, ये कोई काले कपड़े में औरत थी जो धुंध को चीरते हुए गांव के अंदर की ओर बढ़े जा रही थी। वहां सभी गांव वाले भी अपनी चादर में डूब के उस औरत की ओर देखे जा रहे थे। गांव वाले देखना चाहते थे कि आखिर ये औरत गांव में करती क्या है, कि तभी उस औरत को भी जैसे पता चल गया था कि कोई उसे देख रहा है, वो अपने ही जगह पर रुक चुकी थी और वो अपने सर इधर उधर घुमा के देखे जा रही थी। लेकिन जैसे उसे यह पता चला कि गांव वाले चादर में डूबके हुए उसी औरत की ओर देखे जा रहा है, मेरी ओर ही देखे जा रहा है, कि तभी वो औरत अपने कदम पीछे करने लगी। वो गांव के बाहर की ओर भागना चाहती थी लेकिन गांव वाले भी उसे पकड़ना चाहते थे। सभी अपने अपने जगह पर उठ चुके थे और अपनी चादर जमीन पर फेंक उस औरत को पकड़ने के लिए भागे। लेकिन उस औरत की रफ्तार को देख पूरे गांव वाले दंग हो गए। उस औरत की रफ्तार ही इतनी ज्यादा थी, वो औरत उल्टे पैर ही गांव के बाहर की ओर इतनी तेजी से भागी थी कि कोई भी गांव वालों से छू तक नहीं पाया था। औरत देखते ही देखते अंधेरे में कहीं गायब हो गई थी और गांव वाले समझ चुके थे कि वो औरत कोई डायन थी और वही बच्चों को गायब कर उसका खून पी रही थी। उस दिन के बाद सभी गांव वाले चौकन्ने हो गए। वो अंधेरा होने के बाद कभी भी अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन एक दिन जब मेरे पिताजी
यानी कि तुम्हारे दादाजी, वो खेतों में सिंचाई का काम करने के लिए गए हुए थे। तब अंधेरा काफी ज्यादा हो जाने के बाद भी वो घर वापस नहीं आए थे। रात गहराती जा रही थी जब काफी ज्यादा रात हो जाने के बाद भी तुम्हारे दादाजी घर वापस नहीं आए। तब मैं गांव के कुछ लोगों को अपने साथ लेकर अपने खेत की ओर बढ़ चला। मेरे साथ कुल 10 लोग थे। सभी अपने अपने हाथों में एक एक मसाल और एक हाथ में लाठी को पकड़ रखे थे। हम चलते हुए खेतों के पास पहुंचे और तब मैंने देखा कि वहां बरगद के पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ था। जब हम चलते हुए उसके काफी नजदीक पहुंचे और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां वही डायन थी जो तुम्हारे दादाजी के गले में अपने दांतों को गड़ा रखी थी। वो उनके खून को पिए जा रही थी और उस डायन के खुले लंबे घने बाल जो हवा में लहरा रहे थे। तुम्हारे दादाजी जो जमीन पे बदहवास पड़े हुए थे और मैं समझ चुका था कि मेरे पिताजी अब जिंदा नहीं बचे हैं, क्योंकि अगर वो जिंदा होते तो उनके शरीर में हलचल होती। मैं भागता हुआ उस डायन के पास पहुंचा। वो डायन अपने दांतों को गड़ाकर खून पीने में व्यस्त थी और तभी मैं अपना वो मोटा सा लाठी उस डायन के सर पे दे मारा। मेरा वो मोटा लाठ उस डायन के सर पे पड़ते ही वो डायन जमीन पे गिर चुकी थी और वहां वो जो गांव वाले मेरे साथ आए थे वो सभी गांव वाले मिलकर उस डायन को कसकर पकड़ लिए। वो डायन चिल्ला रही थी, वो भागना तो चाहती थी लेकिन सभी गांव वाले उसे कसकर पकड़े हुए थे। मैं उस डायन से पूछने लगा, डायन तूने मेरे पिताजी को क्यों मारा? तू पहले बच्चों को मार रही थी, उसके खून पी रही थी और अब तुम बड़ों को भी मारने लगी, उसके भी खून पीने लगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उस डायन पर लाठी बरसाए जा रहा था कि तभी एक व्यक्ति वहां से भागते हुए गांव पहुंचा। वो गांव से एक मोटा सा रस्सी और एक डब्बे में मिट्टी के तेल को लेकर आया। उस व्यक्ति के साथ लगभग लगभग गांव के सभी लोग आए थे और सभी लोग जो उस डायन को जलाना चाहते थे। सभी गांव के लोग कह रहे थे कि इस डायन को इसी बरगद के पेड़ में बांधकर जला दो ताकि ये डायन किसी और को कुछ नुकसान ना पहुंचा पाए। सभी गांव वालों का ऐसा ही कहना था और वो डायन गुस्से भरे नजरों से गांव वालों की ओर देखे जा रही थी और वो चिल्ला चिल्लाकर गांव वालों से कह रही थी, देखो तुम लोग ऐसा मत करना वरना मैं तुम लोगों को बहुत बुरी मौत दूंगी। उस डायन की बातें सुन गांव वालों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और देखते ही देखते सभी गांव वाले मिलकर उस डायन को सिर्फ बरगद के पेड़ में बांध चुके थे। उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़कना शुरू हो गए और फिर एक गांव वाला मेरे पास आया। वो मेरे हाथ में मसाल को देते हुए कहने लगा, आग लगाओ, इस डायन को आग लगाओ, इसने अभी अभी तुम्हारे पिताजी को मारा है, हमारे मुखिया को मारा है, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले, आग लगाओ, इस डायन को आग लगाओ। वो व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहा था और उसी के साथ पूरे गांव वाले वो भी चिल्लाते हुए ऐसा ही कह रहे थे कि इस डायन को आग लगाओ। मैं भी उस डायन पे तरस नहीं खाना चाहता था, उसने अभी अभी मेरे पिताजी को मारा था और मैं भी उस डायन के शरीर में आग लगा दिया। मसाल उस डायन के शरीर को छूते उस डायन का शरीर धू धू करके जलना शुरू हो गया था और वो डायन चिल्लाते हुए गांव वालों से कह रही थी, मैं बदला लूंगी, मैं पूरे गांव वालों से बदला लूंगी, मैं आऊंगी, मैं दोबारा जरूर आऊंगी। वो चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव वालों से ऐसा कह रही थी और गांव वाले भी उसकी बातें सुनकर डरे हुए थे क्योंकि डायन वो बहुत खतरनाक होती है, मरने के बाद भी वो बदला लेना नहीं छोड़ती और यही कारण है कि हम गांव वालों के दिल में आज भी उस डायन का खौफ है। हम अंधेरा होते ही अपने अपने घरों में चले जाते हैं, अपने घर से बाहर नहीं निकलते। पिताजी मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, अच्छा मतलब यही कारण था कि आप मुझे बचपन में ही शहर भेज दिए। तब पिताजी का भी कहना था, हाँ मुझे डर था कि हो सकता है फिर से कोई डायन हमारे गांव में आ जाए और बाकी बच्चों की तरह तुम्हारे साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। पिताजी मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, लेकिन पिताजी वो सब तो ठीक है पर आज भी 26 साल बाद आज भी ये गांव के लोग इतना क्यों डरा करते हैं? शाम होते ही सभी गांव वाले अपने अपने घर में चले जाते हैं, अपने घरों में दुबक जाते हैं
ये बात थोड़ा अजीब नहीं है? देखिए, अगर उस डैन को बदला लेना ही होता तो वो भला 26 सालों तक क्यों इंतजार कर रही होती? 26 साल बीत गए हैं ना इस घटना को घटे हुए, लेकिन आज भी गांव वाले उस डैन से डरा करते हैं। देखिए, अब कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ होना होता ना तो डायन कब का गांव वालों को मारकर बदला ले चुकी होती। अब घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा पिताजी से कह रहा था और तब पिताजी मुझसे कहने लगे थे, बेटा देखो, अभी तुम्हें नहीं पता है, आत्माएं बहुत खतरनाक होती है। वो कभी भी बदला ले सकती है। जो बुरी आत्माएं होती है वो किसी ऐसे मौके की तलाश करती रहती है जिससे एक झटके में सब कुछ बदला जा सके, पूरा पासा पलटा जा सके। और यही कारण है कि हम गांव वाले डरा करते हैं। पिताजी की बातें सुन मैं उनसे कहने लगा, क्या पिताजी, इन 26 सालों में तब तक उस डायन की आत्मा को भी मुक्ति मिल चुकी होगी, वो भला क्या किसी से बदला लेगी? मैं ऐसा कहते हुए उनके पास से उठ खड़ा हुआ और चलते हुए अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह हुई। सुबह के वक्त मैं फटाफट फ्रेश हो गया, खाना खाया और अब सोचने लगा, क्या करूं, कहां जाऊं? चलता हूं, मैं अपने बचपन के दोस्तों से मिलकर आता हूं। यही सोचकर मैं घर से बाहर निकल गया और मैं अपने घर के बगल वाले एक दोस्त के घर चला गया। वो भी घर में ही था। वो मुझे देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो गया था और मैं भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश था। हम बातें करने लगे और ऐसे ही बातें करते हुए मैं वो पूरा दिन अपने दोस्त निखिल के घर में निकाल दिया। शाम हो चली थी और शाम के वक्त मैं निखिल से कहने लगा, भाई चलना, हम घूम कर आते हैं। गांव में घूमने की जगह तो होगी ना, चला वहां से घूम कर आते हैं। तब निखिल का कहना था, तुम्हें पता नहीं है क्या, यहां अंधेरा होने के बाद कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता। निखिल मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं उससे कहने लगा, क्या यार, तू भी इन बातों को मानता है? तू तो पढ़ा लिखा है ना, फिर इन बातों को क्यों मानता है? तब निखिल का कहना था, भाई देख, मैं भी नहीं मानता, लेकिन जो परंपरा है, जो गांव वाले मान रहे हैं, वो तो मानना ही पड़ेगा ना। निखिल मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं भी उसे कहने लगा, देख, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं। मेरे घर वाले अगर पूछेंगे तो बता देना कि मैं अपने खेत के पास गया हूं। मेरी ये बात सुनकर निखिल मुझसे कहने लगा, क्या तुम अपने खेत के पास जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम्हारे खेत के बगल में वो जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है, वो वही बरगद का पेड़ है जहां पे सालों पहले एक डायन को जलाकर मारा गया था। निखिल की बातें सुन मैं उससे कहने लगा, क्या यार, तू वो सब छोड़, अगर मेरे घर वाले पूछेंगे तो बता देना, मैं जा रहा हूं। मैं इतना बोलते हुए उसके घर से बाहर निकल गया और मैं गांव के बाहर की ओर बढ़ चला। शाम के 6 बजे का समय था। आसमान में अंधेरा थोड़ा थोड़ा छाना शुरू हो गया था। मैं चलते हुए अपने खेत के पास पहुंचा। वहां मैं बरगद के पेड़ के पास जाकर बैठना चाहता था, लेकिन आज वहां पेड़ के पास पहले से ही कोई लड़की बैठी हुई थी। मैं उसकी ओर देखे जा रहा था, वो लड़की कौन है और यहां मेरे खेत के पास बरगद के पेड़ के पास बैठी हुई है? ये भला शाम के वक्त यहां पे क्या कर रही होगी? मैं वहां जाना नहीं चाहता था। मैं अपने खेत के पास ही खड़ा उसी पेड़ के पास देखे जा रहा था जहां पे वो लड़की बैठी हुई थी। वो अपने दोनों गालों पे हाथ रख जमीन की ओर देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी बात की टेंशन हो। मैं सोचने लगा, ये लड़की कौन हो सकती है? यकीनन ये मेरे गांव की लड़की होगी। मैं भी यहां पे नया नया आया हूं जिस कारण मैं उसे पहचान नहीं रहा हूं। लेकिन यहां ये शाम के वक्त इस बरगद के पेड़ के पास क्यों बैठी है और इसे किस बात की टेंशन है? चलता हूं उससे बात करके देखता हूं। मैं यही सोचकर चलते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वो लड़की भी मुझे देखते ही अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई थी और तब मैं उसकी ओर देखने लगा। ये लड़की देखने में तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन इसके कपड़े कहीं कहीं पे थोड़े थोड़े फटे हुए थे। उसकी आंखों में आंसू थे और वो अपने आंसू को छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैं उससे कहने लगा, आप कौन हैं और आप यहां शाम के वक्त इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठी रो क्यों रही है? आपके घर वालों ने आपसे कुछ कहा है क्या? मेरी इन बातों का उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो अभी अपने सर को झुकाए जमीन की ओर देखे जा रही थी। मैं उसे कहने लगा, आप इसी गांव की रहने वाली है ना? लेकिन मेरे इस बात का भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं उसे कहने लगा,
तो फिर क्या आपके बॉयफ्रेंड ने आपको धोखा दिया है? मेरे इस बात को सुनकर वो गुस्सा हो गई और वो मुझसे कहने लगी, आपको बात करने की तमीज नहीं है, एक लड़की से कैसे बात किया जाता है क्या आप नहीं जानते? अब मैं उसे कहने लगा, अरे मैंने ऐसा क्या पूछ दिया, आजकल तो सभी के बॉयफ्रेंड होते हैं, मैंने भी तुमसे तो यही पूछा है, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया है? इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? देखो तुम मेरी सवालों का जवाब नहीं दे रही थी, इसीलिए मैं तुमसे ये पूछा, वरना मैं तुमसे ये पूछता ही नहीं। अब वो कहने लगी थी, मतलब अगर कोई लड़की तुम्हें रिप्लाई नहीं देगी तब तुम उसे कुछ भी बोल दोगे क्या? उसकी बातें सुन मैं उससे कहने लगा, अरे यार माफ करो, देखो मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुमसे ये सवाल पूछा, लेकिन क्या तुम ये बता सकती हो कि तुम यहाँ शाम के वक्त इस बरगद के पेड़ के पास बैठी रो क्यों रही थी? तब उसका कहना था, देखो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, कौन हो तुम, मैं तुम्हें जानती तक नहीं। तब मैं भी उसे कहने लगा, देखो मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ, भानु प्रताप जी को शायद तुम जानती होगी, मैं उन्हीं का लड़का हूँ। मेरे इस बात को सुनकर वो चुप थी। मैं उसे कहने लगा, क्या हुआ तुम उन्हें नहीं जानती क्या? तब उसका कहना था, मैं इस गांव की रहने वाली नहीं हूँ, मैं इसके बगल वाले गांव में रहा करती हूँ, वो जो तुम्हें दूर कुछ घर दिख रहे ना वही मेरा गांव है। वो लड़की मुझसे शक कर रही थी और मैं उससे कहने लगा, तो तुम वहाँ अपने गांव से यहाँ तक चली आई हो, वो भी शाम के वक्त? देखो अगर तुम अभी के अभी अपने घर के लिए निकलती हो तो तुम्हें अपने घर तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी अंधेरा छा जाएगा, काफ़ी रात हो जाएगी तुम्हें अपने घर तक पहुँचते पहुँचते। तब वो कहने लगी थी, लेकिन अपने घर तक जाना किसे है, मैं यहीं खेतों में घुमा करती हूँ, खेतों में अपनी रात गुजार दिया करती हूँ। उसकी बातें सुन मैं उससे कहने लगा था, क्या तुम खेतों में ही रहा करती हो, लेकिन क्यों तुम अपने घर नहीं जाती हो? तो उसका कहना था, नहीं देखो मेरा कोई नहीं है, मेरे माता पिता की मौत मेरे बचपन के दिनों में ही हो गई थी, मेरे चाचा चाची वो मुझे बहुत ज़्यादा पीटा करते हैं, वो मुझे एक वक्त का खाना दिया करते हैं और मुझसे काम भी बहुत ज़्यादा करवाते हैं, अगर मैं काम नहीं कर पाती तो वो मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई किया करते हैं, इसीलिए मैं अपने घर नहीं जाया करती, मैं पूरे 2 महीनों से यहीं खेतों में ही कभी इस पेड़ के पास कभी उस पेड़ के पास अपना जीवन बिता रही हूँ। जीवन जीना कितना मुश्किल होता है ये सिर्फ उसे पता होता है जिसका कोई नहीं होता, मैं कई बार मरने की कोशिश भी कर चुकी हूँ, सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन गांव वाले वो मुझे हर बार बचा लिया करते हैं। तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि तुम रो क्यों रही हो, मैं यहाँ पेड़ के पास बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी कि ऊपर वाले सी किस्मत किसी को ना दे। वो लड़की मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, क्या सच में तुम यहाँ 2 महीनों से खेतों में ही हो, लेकिन तुम यहाँ खाते क्या होगे? तो उसका कहना था, कच्ची सब्जियाँ, मैं यहाँ खेतों से उखाड़कर कच्ची सब्जियों को खाया करती हूँ, उसे खाकर मैं अपना पेट भरा करती हूँ। वो लड़की मुझसे ऐसा कह रही थी और उसकी बातें सुन मैं भी मायूस हो गया था, कैसे कोई लड़की अपना जीवन इन खेतों में बिता रही है, कच्ची सब्जियों को खाकर अपना जीवन बिता रही है, आखिर ये सोती कैसे होगी, ठंड का मौसम है ऐसे खुले में ठंड को कैसे बर्दाश्त कर पाती होगी, ऊपर से इसके कपड़े भी थोड़े थोड़े कहीं कहीं फटे हुए हैं। मैं उसकी ओर देखे जा रहा था और वो अपनी नजरें झुकाए जमीन की ओर देखे जा रही थी। मैं उससे कहने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसका कहना था, नीतू, मेरा नाम नीतू है। तब मैं भी उसे कहने लगा, क्या तुम अभी यहीं से पेड़ के पास अपना पूरी रात निकालोगी? तो उसका कहना था, हाँ मैं यहीं पेड़ के पास ही सोऊंगी। मैं उसे समझाते हुए कहने लगा, देखो तुम यहाँ पे मत रहो, तुम अपने चाचा चाची जी के पास चली जाओ, भले ही तुम्हारे चाचा जी तुम्हें थोड़ा मारते हैं लेकिन वो तुम्हें खाना तो देते हैं ना, तुम वहाँ अच्छे से सो तो पाओगी ना। तब उसका कहना था, नहीं मैं वहाँ नहीं जाने वाली, मुझे वहाँ हर रोज मौत का दर्द सहना पड़ता है। वो अपने हाथ को आगे करते हुए मुझसे ऐसा कह रही थी और तब मैं उसके हाथ पे देखा, उसके हाथ पे कई जगह काले काले दाग बने हुए थे। मैं उसे कहने लगा, ये काले निशान क्या है? तो उसका कहना था, वही जो मेरी चाची जी ने मुझे दिए हैं,
जब मैं काम को नहीं कर पाती थी तब मेरी चाची लोहे की रोड को गर्म कर मेरे हाथों पे, मेरे शरीर पे कहीं भी लगा दिया करती थी। मुझे काफी ज्यादा दर्द होता था, मेरे शरीर की त्वचा जल जाती थी, लेकिन मेरे चाची जी वो मुझसे काम करवा कर ही रहती थी। मुझे बहुत ज्यादा पीटा करती थी जिस कारण मुझे घर को छोड़कर भागना पड़ा। वहां मुझे हर रोज मौत के दर्द को सहना पड़ता था। मैं अपने घर से भागते ही यहीं एक पास के तालाब में सुसाइड करने के लिए चली गई। मैं तालाब में कूद पड़ी थी लेकिन मेरे ही एक गांव का व्यक्ति वो मुझे बचा लिए। और अब मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं बची थी कि मैं दोबारा सुसाइड करने की कोशिश करती। मैं यहाँ खेतों में आकर रहने लगी और ऐसे ही मेरा समय यहाँ बीत रहा है। वो लड़की नीतू मुझसे साथ कह रही थी और मैं उसके हाथों पे बने हुए उस काले निशान को देख रहा था। सच में ये कई सारे काले निशान थे। देखकर मैं उसके दर्द को अनुभव कर पा रहा था कि इस लड़की को कितना ज्यादा दर्द हुआ होगा जब गर्म लोहे को उसके हाथ पे लगाया गया होगा। उसके आंखों में आंसू थे और मैं उससे कहने लगा, क्या तुम मेरे गांव में चलोगी? देखो मैं अपने पिताजी को समझा दूंगा। मैं उनसे कह दूंगा कि ये लड़की अनाथ है, इसे रहने खाने की जगह दिया जाए, इस गांव में रहने खाने की जगह दिया जाए। मैं अपने पिताजी को समझा दूंगा। मैं नीतू से ऐसा कह रहा था लेकिन नीतू अपने सर को हिलाते हुए मना किए जा रही थी। उसका कहना था, नहीं मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव में नहीं जाने वाली, मैं यहीं खेतों में अपना जीवन बिता लूंगी। जाओ तुम अपने घर जाओ, नीतू मुझसे ऐसा कह रही थी। और सच बताओ तो मुझे उसे छोड़कर अपने घर वापस जाने का मन नहीं कर रहा था। ये लड़की देखने में तो बहुत ज्यादा सुंदर थी लेकिन इसके हालात जिसे देखकर मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा दया आ रही थी। वो लड़की बार बार मुझसे कह रही थी, जाओ अपने घर जाओ, अंधेरा काफी ज्यादा छा चुका है, तुम अपने घर जाओ। मैं भी उससे कह दिया, बस कुछ दिन तुम यहाँ पे बिताओ, उसके बाद मैं अपने गांव वालों से बात कर तुम्हें अपने साथ गांव लेकर जाऊंगा। तुम वहीं रहना, मैं तुम्हारे खाने पीने के लिए व्यवस्था कर दूंगा। वो लड़की कह रही थी, वो तो बाद की बात है, जाओ तुम अभी अपने घर जाओ। मैं भी चलता हुआ अपने घर की ओर बढ़ चला। मैं अपने घर पहुंचा और पिताजी आज मुझ पर फिर से गुस्सा थे। मैं उनसे कहने लगा, देखिए पिताजी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इस गांव में भूत प्रेत वो डायन का कहर नहीं है जैसे आप समझते हैं। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले तो वो डायन मुझे नुकसान पहुंचाती, क्योंकि मैं खेत के पास वो जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है मैं वहीं दो दिनों से जाया करता हूँ। पिताजी मेरी बातों को सुनकर हैरान थे। मेरी माँ वो मेरे पास आकर मुझसे कहने लगी, बेटा तुम वहां पे क्यों जाते हो? तुम्हें पता है मैं 16 सालों से अपने से दूर तुम्हें इसीलिए रखी कि तुम्हें वो बुरी शक्ति नुकसान ना पहुंचा सके, और तुम उसी बरगद के पेड़ के पास जाया करते हो, वहां पे उस डायन की आत्मा रहती होगी, वहीं बरगद के पेड़ के पास उस डायन को जलाकर मारा गया था। मेरी माँ मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उनसे कहने लगा, माँ ऐसा कुछ नहीं है, उन बातों को बीते हुए 26 साल बीत चुके हैं। मैं ये बोलकर अपने माता पिताजी को चुप करवा दिया था और मैं चलते हुए अपने घर के अंदर पहुंचा, खाना खाया और अपने बेड पर जाकर लेट गया। मैं सोते वक्त उसी लड़की के बारे में सोचे जा रहा था, कैसे मैं यहाँ अपने घर में अपने बेड पर लेटा हुआ हूँ फिर भी मुझे हल्का हल्का ठंड महसूस हो रहा है, और वो लड़की वो तो वहाँ खुले में रहती है, वो कैसे ठंड को झेलती होगी। मैं उसी के बारे में सोचते सोचते सो गया। मेरी आँख खुली सुबह के लगभग 6:30 बजे के करीब। मैं जगते ही फटाफट फ्रेश हो गया, दिन के लगभग 9 बजे तक खाना खाया, और आज मैं अपने दोस्त के घर नहीं जाना चाहता था, मैं उसी बरगद के पेड़ के पास जाना चाहता था, उस लड़की से मिलना चाहता था। वो आज भी वही बरगद के पेड़ के पास होगी, जाता हूँ उससे बातें करता हूँ, उसका भी थोड़ा दिल बहल जाएगा और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं यही सोचकर अपने खेत की ओर बढ़ चला। मैं बरगद के पेड़ के पास पहुंचा और वो लड़की वहीं पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। वो मुझे देखते ही कहने लगी, आज दिन के वक्त आए हो, शाम के वक्त आते थे ना तुम, कल शाम के वक्त आए थे, आज दिन के वक्त आए हो। मैं उससे कहने लगा, हाँ मैं तुमसे मिलने आया हूँ, दिल कर रहा था कि तुमसे मिलूँ, तुमसे बातें करूँ, इसीलिए आया हूँ। अब मेरे इस बात को सुनकर वो लड़की मुझसे कहने लगी, देखिए बाबूजी
इतनी जल्दी किसी लड़की से लगाव बनाना अच्छी बात नहीं है। अब मैं भी उसे कहने लगा, पता नहीं यार, वैसे तो मैं किसी लड़की से जल्दी बात तक नहीं करता, लेकिन तुम्हें देखकर पता नहीं मन ऐसा बार बार कर रहा था कि मैं तुमसे मिलूं, तुमसे बातें करूं। देखो तुम तो मुझे अपने बारे में बता चुकी हो, अब मैं भी तुम्हें अपने बारे में बताता हूं। मैं इतना बोलकर वहीं बरगद के पेड़ के पास ही बैठ गया और उसे अपने बारे में बताना शुरू कर दिया। मैं कैसे 6 साल की उम्र में ही दिल्ली चला गया था, वहीं मैं अपना पूरा बचपन निकाला और अब आया हूं, मैं अपने गांव में आया हूं। हम ऐसे ही वहां बरगद के पेड़ के नीचे बैठे आपस में बातें करते रहे और वो पूरा दिन निकला। आज मैं अंधेरा छाने से पहले ही अपने घर वापस आ गया था। पिताजी मुझसे पूछ रहे थे, दोस्त के पास गए थे क्या? मैं भी उनसे कह दिया, हाँ एक दोस्त के पास ही गया था। कुछ ही देर में खाना बन चुका था, मैं खाना खाया और अपने कमरे में जाकर सो गया। आज भी सोते वक्त मेरे दिमाग में नीतू की बातें घूमे जा रही थी। नीतू, उसकी बातें बहुत ही प्यारी थी। वो भले ही खेतों में रहा करती थी, पेड़ों के पास रहा करती थी, उसका जीवन बहुत ही मुश्किलों से बीत रहा था, लेकिन वो बातें बहुत अच्छी किया करती थी। आज वो मुझसे पूरे दिन बातें करती रही और उसके बात करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे दिमाग में भी नीतू की बातें घूमे जा रही थी और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। मेरी नींद खुली सुबह के लगभग 6:30 बजे के करीब। मैं जगते ही फटाफट फ्रेश हो गया, खाना खाया और फिर से नीतू से मिलने चला गया। आज हम फिर दिन भर बैठे आपस में बातें करते रहे और शाम होते ही मैं अपने घर वापस चला आया। अब ऐसे ही हर रोज का काम था, मैं दिन के वक्त नीतू से मिलने जाया करता, दिन भर उससे बातें किया करता और शाम के वक्त मैं अपने घर वापस आ जाता। समय बीता लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं जैसे नीतू को पसंद करने लगा हूं। मन ऐसा करता है कि मैं हर वक्त नीतू के बगल में ही बैठा रहूं, उससे बातें करता रहूं। अगर उसके हालात को नजरअंदाज किया जाए तो वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और उसकी बातें वो तो बहुत ही ज्यादा प्यारी, शायद मैं उसे पसंद करने लगा हूं। ऐसे ही जब मैं एक दिन के वक्त उससे मिलने के लिए गया हुआ था, वो मुझसे बातें कर रही थी और मैं बार बार उसकी बातों को काटे जा रहा था। वो जो भी मुझसे कहती मैं भी उसकी बातों को रिपीट कर देता। वो भी परेशान होकर कहने लगी थी, क्या हुआ, तुम ऐसे बार बार मेरी बातों को दोहरा क्यों रहे हो? वो मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं बस चुपचाप उसके चेहरे की ओर देखे जा रहा था। फिर से उसका कहना था, अब क्या हुआ, चुपचाप क्यों हो, कुछ तो बोलो। तब मैं उससे कहने लगा, देखो नीतू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तो उसका कहना था, कहो क्या कहना चाहते हो? तब मैं उससे कहने लगा, देखो बुरा मत मानना, लेकिन पता नहीं कैसे तुमसे बातें करते करते एक लगाव सा जुड़ता चला गया और वो लगाव आज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहोगी? मैं ऐसा नीतू से कह रहा था और नीतू चुप थी, वो अपने सर को झुकाकर चुप थी। मैं उसके हाथ को पकड़ता हुआ कहने लगा, देखो मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद किया करती हो, तो फिर डर क्यों रही हो? बताओ तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं? तब वो कहने लगी थी, देखो बात पसंद या ना पसंद करने की नहीं है, मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद किया करती हूं, लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे, किसी अनाथ लड़की से तुम्हारी शादी करेंगे? नीतू मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, देखो मान जाएंगे, मेरे माता पिता मुझसे बहुत ज्यादा प्यार किया करते हैं, वो मेरी बातों को मान जाएंगे, मैं अगर उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगा तो वो जरूर मानेंगे। मेरे इस बात को सुनकर नीतू चुप थी। मैं उससे कहने लगा, अब क्या हुआ, अब तो बताओ तुम मुझसे शादी करना चाहोगी या नहीं? तब वो अपने सर को हिलाकर जवाब दिया था। मैं भी खुश था, वो अपने सर को हाँ में हिलाया था। मैं उससे कहने लगा, तो ठीक है मैं भी अपने घर जाता हूँ और जल्दी, बहुत जल्दी मैं तुम्हें शादी की खुशखबरी दूंगा। इतना बोलकर मैं अपने घर चला आया और मैं ये बात अपने पिताजी को बताया। पिताजी ये बात सुनकर गुस्सा थे। उनका कहना था, ऐसे कैसे किसी लड़की से शादी करवा दूं, उनके खानदान का पता नहीं है और वो लड़की तुम्हें उसी बरगद के पेड़ के पास मिली है, क्या पता वो कोई छलावा हो।
उनकी बातें सुन मैं हंस पड़ा था। मैं पिताजी से कहने लगा था, क्या पिताजी, आज के समय में आप भूत प्रेत की बातें कर रहे हैं। अगर आपको कोई शक है तो आप उस गांव में जाकर नीतू के बारे में पूछ लीजिए ना, उनके चाचा जी से बात कर लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। मैं अपने पिताजी को सारी बात, नीतू के बारे में सारी बात बता चुका था कि वो कैसे खेतों में ही रहा करती है, वो कैसे अपना जीवन खेतों में बिता रही है। पिताजी भी मान गए थे। उनका कहना था, देखो अगर तुम उस लड़की से इतना ही ज्यादा प्यार करते हो तो मैं तुम्हारी शादी उस लड़की से करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे उसके चाचा जी से बात करनी है। मैं उस गांव में जाऊंगा, उसके चाचा जी से बात करूंगा, उस लड़की के बारे में पूछूंगा। अगर सच में जो तुम मुझे बताए हो वो जानकारी सच्ची निकली तो मैं तुम्हारी शादी उस लड़की के साथ करवा दूंगा। मैं भी कहने लगा था, तो फिर ठीक है, आज ही जाइए, पता करके आइए। पिताजी भी मान गए थे। और फिर शाम के वक्त जब पिताजी घर वापस आए थे तब वो मुझसे कहने लगे, हाँ तुम्हारी जानकारी तो सच्ची है, लेकिन उसके चाचा जी का कहना था कि वो लड़की 3 महीने पहले घर को छोड़कर भाग गई है, शायद वो तब से खेतों में ही रह रही है ना। मैं भी कहने लगा था हाँ। पिताजी भी कहने लगे थे, तो फिर ठीक है, उस लड़की को घर लेकर आओ, आखिर मैं भी तो देखूं कि मेरी होने वाली बहू कैसी है। मैं भी खुश था। मैं भागता हुआ नीतू के पास गया और उसे अपने साथ लेकर अपने घर आया। मेरे घर वाले भी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। फिर हमारी शादी करवा दी गई। हमारी शादी काफी धूमधाम से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद यहाँ गांव में इंसान गायब होना शुरू हो गए थे। गांव के कई लोग जो गायब हो रहे थे और बाकी बचे गांव वाले वो अनाप शनाप बातें करना शुरू कर दिए थे। उनका कहना था कि वो डायन वापस आ चुकी है और वही डायन ये सब कर रही है। वो सभी गांव वाले नीतू के ऊपर शक करना शुरू कर दिए थे, और तो यहां तक मेरे पिताजी, मेरी माँ, वो भी नीतू के ऊपर शक करना शुरू कर दिए थे। मैं सभी को समझा रहा था, देखो नीतू भला कैसे डायन हो सकती है, डायन उसे तो जलाकर मार दिया गया था ना, उसकी आत्मा भले ही इंसानों को मार सकती है, उसका तो शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि उस डायन को तो 26 साल पहले जलाकर मार दिया गया। और आप लोग नीतू के ऊपर शक कर रहे हैं, नीतू का तो शरीर है, वो किस एंगल से आपको आत्मा लग रही है, उसका शरीर है, आप लोग गौर से देखिए। और पिताजी आप तो खुद नीतू के गांव में जाकर उनके चाचा जी से बात करके आए हैं, तो फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि नीतू ही डायन है। मैं पिताजी से शक कर रहा था, लेकिन पिताजी मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था, बेटा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि नीतू जब से इस गांव में आई है तभी से ये घटनाएं होना शुरू हुई है। वहां पूरे गांव वालों का ऐसा ही कहना था, लेकिन मैं ये बात नीतू से छुपा रहा था। मैं नीतू को पूरे गांव वालों की नजर से छुपा रहा था। मैं उसे हमेशा अपने कमरे में ही रखता, उसे बाहर निकलने नहीं देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि नीतू को यह बात पता चले। अगर उसे यह बात पता चलती तो उसके दिल पे क्या बीतती। ऐसे ही समय बीतता गया और अब यहां गांव वालों के लाश भी मिलना शुरू हो गए थे, ठीक वैसे ही जैसा मेरे पिताजी कहानियों में बताए थे। पेड़ों पे लटकते हुए लाश, कई लाश जो उसी बरगद के पेड़ के पास मिल रहे थे। और अब तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू हो गया था कि यकीनन वो डायन वापस लौट आई है, लेकिन मैं नीतू को डायन मान ही नहीं सकता। पूरे गांव वालों का ऐसा ही कहना था कि नीतू ही वो डायन है और वही इंसानों को गायब कर रही है, उसके खून को पी रही है, लेकिन मैं ये बात नहीं मान सकता, क्योंकि वो पूरे दिन तो मेरे साथ रहती है, फिर वो लोगों को कैसे गायब कर सकती है। वो अलग की बात है कि आजकल मुझे रात के वक्त नींद काफी गहरी आने लगी है, पता नहीं क्यों जब मैं सोता हूं तब मेरी नींद सुबह होने के बाद ही खुलती है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं मान सकता कि वो नीतू ही है जो इंसानों को मार रही है, इंसानों के खून पी रही है। ऐसे ही जब मैं एक दिन अपने कमरे में सोया हुआ था, रात के लगभग 12 बजे होंगे, कि तभी मेरे कानों पे बार बार किसी औरत के रोने की आवाज पड़े जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई तो है मेरे आसपास जो सिसक सिसक के रो रही है। मैं अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आंखें वो खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी।
मैं काफी देर तक अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता रहा और तब जाकर मैं उठ पाया था। मेरे कानों पे किसी के रोने की आवाजें साफ साफ पड़े जा रही थी। मैं अपने बगल में देखा, नीतू कहाँ है? नीतू बेड पे नहीं थी। मैं उस आवाज के पीछे चलने लगा। उस सिसकने वाली आवाज, वो कहाँ से आ रही है? मेरे कमरे की लाइट बंद थी और मैं अपने मोबाइल फोन के फ्लैशलाइट को जलाए उस आवाज का पीछा कर रहा था। आखिर वो आवाज कहाँ से आ रही है? मैं चलते हुए अपने घर के बड़े से हॉल में पहुंचा। वहीं कहीं से वो सिसकने की आवाज आ रही थी। मैं काफी देर तक इधर उधर फ्लैशलाइट को जलाकर देखता रहा, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि वो सिसकने की आवाज आखिर आ कहां से रही है। कि तभी मेरी नजर पड़ी छत के ऊपर। वहां हॉल में पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन जब मैं अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट घर के छत की ओर किया था और मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वहां छत से नीतू थी, जो उल्टा होकर चिपकी हुई थी। उसके खुले बाल जो नीचे की ओर लटक रहे थे। और तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वहां फर्श पे कोई तो है जो फर्श पे लेटा हुआ है। मैं डरते डरते मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट फर्श पे मारा और वहां फर्श पे मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे दिमाग सन हो गए। वहां जमीन पे मेरे माता पिता जी की लाश पड़ी हुई थी और वहां छत से नीतू चिपकी, जो सिसक सिसक के रोए जा रही थी। मैं उसे देखकर इतना तो समझ चुका था कि ये नीतू नहीं है, यकीनन ये वही डायन है। पूरे गांव वाले, मेरे माता पिताजी, जो मुझसे बार बार कहा करते थे कि वो नीतू नहीं, वो कोई इंसान नहीं बल्कि वो डायन है, मैं उनकी बातों पे यकीन नहीं किया था। आज मेरे माता पिताजी की जान चली गई है, ये डायन ये मेरे माता पिताजी को मार चुकी है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। कि तभी वो डायन नीतू वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी और वो अपने लंबे घने बाल चेहरे से हटाते हुए कहने लगी, देखो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस तुम्हें हर रोज मेरे लिए एक इंसान को मारना होगा, नहीं तो कम से कम तुम्हें मेरे लिए एक इंसान की व्यवस्था करना होगा। तुम्हें हर समय यहाँ अपने घर में एक इंसान को लेकर आना है और मैं उसे मारूंगी, उसका खून पीऊंगी, तभी तुम जिंदा रह पाओगे। वो डायन मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा था, लेकिन तुम डायन हो, तुम मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम तो जिंदा हो, तुम्हारे शरीर है, तुम्हें तो जलाकर मार दिया गया था ना, जैसा मैंने सुना है। तब वो हंसते हुए कहने लगी, हाँ मुझे जलाकर मार दिया गया था, लेकिन मैं आत्मा हूँ और ये जो तुम्हारे सामने खड़ी है ये लड़की नीतू, मैं इसके शरीर में प्रवेश हूँ। इस लड़की की मौत तो तभी हो गई थी जब ये आत्महत्या करने के लिए तालाब में कूदी थी, लेकिन मैं वहीं पर थी, मैं इसके मरते ही इसके शरीर पर कब्जा कर लिया। और रही तुम्हारी बात, तो तुम तो बहुत ही बेवकूफ निकले, मैं तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाई और तुम भी फंसते चले गए। अरे तुम्हें भी तो सोचना चाहिए था, अगर मेरे गाँव का कोई व्यक्ति मुझे तालाब से बचाया होता तो वो मुझे अपने साथ लेकर मेरे चाचा जी के घर जाता ना, अपने गाँव लेकर जाता, वो मुझे इसे थोड़ी ना छोड़ देता। वो मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो हंसते हुए कहने लगी, मैं सभी गांव वालों से बदला लूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और रही तुम्हारी बात, अगर तुम मेरे लिए इंसानों को अपने साथ नहीं लेकर आओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा खून पी जाऊंगी, तुम्हें ऐसा करना ही होगा, तुम्हें हर रोज मेरे लिए एक इंसान को इस घर में लाना ही होगा, चाहे तुम उसे कैसे भी लेकर आओ, बहलाकर फुसलाकर उसके हाथ पांव तोड़कर, बस तुम्हें हर रोज इस घर में एक इंसान को लाना है, मैं उसके खून को पीऊंगी और तब जाकर मेरे मन को शांति मिलेगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, चालाकी करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले तुम मरोगे, ये बात अपने दिमाग में बिठा के रखना। वो डायन ऐसा बोलते हुए मेरे कमरे की ओर बढ़ चली थी और मैं जमीन पे घुटने के बल गिर चुका था। सामने
मेरे सामने मेरे माता पिताजी की लाश पड़ी हुई थी और मैं वहां जमीन पे बैठा रोए जा रहा था। वो रात भी थी और सुबह के वक्त मेरे रोने की आवाज सुन के पूरे गांव वालों की भीड़ लग चुकी थी। कुछ ही देर बाद मैं अपने माता पिताजी की लाश को लेकर शमशान पहुंचा, उनका दाह संस्कार किया। वहां गांव के लगभग लगभग पूरे लोग थे, सभी लोग थे जो मेरे साथ शमशान घाट आए थे और मैं उन्हें वो सच्चाई बताना चाहता था कि आखिर किसने मारा है मेरे माता पिता को। मैं उन्हें पूरी सच्चाई बताया और गांव वाले फिर से एक प्लान बनाए, नीतू को जलाकर मारने का प्लान। हम लोग घर आ चुके थे, शाम का समय था। पूरे गांव वाले वो मेरे घर पहुंचे, नीतू वहीं मेरे कमरे में बैठी हुई थी। मैं उसके हाथ को पकड़ा और उसे खींचता हुआ पूरे गांव वालों के सामने लेकर आया। गांव वाले जो नीतू से कह रहे थे, डायन तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमें मारकर बच जाओगी, तुम इंसानों को मारकर बच जाओगी? नहीं, तुम्हें कुछ साल पहले भी जलाया गया था और अब फिर से तुम्हें जलाया जाएगा। गांव वालों की बात सुन के नीतू के चेहरे पे एक अलग ही प्रकार की मुस्कान थी और वो हंसते हुए कहने लगी, मूर्ख गांव वाले, तुम्हें शायद पता नहीं है कि आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। मैं एक आत्मा हूँ, मैं इस बार भी शरीर बदली थी और अगली बार फिर से मैं किसी और के शरीर में आऊंगी और तब मैं सबको चुन चुन के मारूंगी। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम अभी मार के बच जाओगे? तुम मेरे शरीर को नष्ट करके मेरे शरीर को जलाकर बच जाओगे? ये तुम्हारी गलती है, तुम नहीं बच पाओगे। नीतू ऐसा कह रही थी और सभी गांव वाले डरे हुए थे। सभी गांव वाले मिलकर नीतू को पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए फिर से उसी बरगद के पेड़ के पास लेकर आए थे, मेरे खेत के पास बरगद का पेड़, जहां वो डायन मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाई थी। फिर से उसे पेड़ से बांधा गया, उसके शरीर पे मिट्टी का तेल छिड़का गया और फिर से उसके शरीर में आग लगाया गया। वो डायन वो चिल्लाते हुए कह रही थी, तुम नहीं बचने वाले, तुम, मैं जब दोबारा वापस आऊंगी तो सबसे पहले तुम्हें मारूंगी। वो डायन मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं चुपचाप उसकी ओर देखे जा रहा था। देखते ही देखते वो डायन जल के पूरी तरह से राख के ढेर में बदल चुकी थी और फिर सभी गांव वाले अपने अपने घर चले आए। इस घटना को घटे 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी यहाँ पूरे गांव में उस डायन का खौफ है। आज भी शाम होते ही सभी अपने अपने घरों में चले जाते हैं, सभी अपने घर की लाइट बंद कर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं, क्योंकि पता नहीं कब वो डायन किस रूप में आ जाए।